हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। तो आज हमारे पास है क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के 15 एमसीक्यूज। यस, ये आपके लिए एक टेस्ट है। आपको इन 15 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 10 सेकेंड्स। अगर आपके पास कोई नोटबुक और पेन नहीं है, देन वीडियो को पॉज कीजिए, नोटबुक लाइए, पेन लाइए और क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कीजिए, आंसर्स मैच कीजिए और मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि 15 में से आपको कितने मार्क्स मिले। एंड प्लीज बी ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट रहना है, राइट? इट इज फॉर योर बेनिफिट, आपका ही फायदा है। ऑलराइट, सो ऑनेस्टली मुझे बताइए कि आपको 15 में से कितने मार्क्स मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे और एमसीक्यूज चाहिए या नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में सही है? ए, ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स बाय क्लाइंबिंग ऑन इट। बी, organisms depends on others for their food. C, organisms feed on dead decaying organic matter. Or D, all of the above. Your time starts now. Aaram se soche and write your answers in your notebook. All right, time's up. So the correct answer is all of the above. Yes, I know aapne kafi sare logon ne B option ko tick kiya hoga. Yes, it is true that organisms which depend on others for their food are called as heterotrophs. They follow heterotrophic mode of nutrition, right? But is option ko dekhiye. Organisms feed on dead decaying organic matter. Ye kaun hai? Ye saprotrophs hai. Aur saprotrophic bhi ek heterotrophic mode of nutrition hai, right? Organisms directly derive nutrition from plants by climbing on it. Ye kaun hai? Parasitic plants. Ye bhi heterotrophs hi hai. हमने पढ़ा था दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स, ये सारे क्या है? हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, राइट? सो द करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री। इट्स वेरी सिंपल, फूड फैक्ट्री किस पार्ट ऑफ द प्लांट को कहा जाता है? लीव्स, स्टेम, रूट्स और फ्लावर्स। ये तो सबका सही होगा। टाइम्स अप, द करेक्ट आंसर इज लीव्स। यस, लीव्स को कहा जाता है प्लांट्स की फूड फैक्ट्री, क्योंकि यहां बनता है उनका खाना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट, सो थर्ड क्वेश्चन इज लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू इट्स फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा और क्लोरोफिल। प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करती हैं, किसकी मदद से? टाइम्स अप, द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। यस, प्लांट्स स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर इन अ सेल इज कॉल्ड इट्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर सेल का क्या होता है? So the correct answer is nucleus. Yes, nucleus जो है वो cell के center में present होता है, right? We have studied this. Okay, अगला question देखते हैं। Lichen is an association between, lichen किस किस के बीच की association है? A, fungus and plant, B, bacteria and fungus, C, fungus and algae और D, fungus and roots. Alright, so the correct answer is fungus and algae. We have studied this, right? कि lichen fungus और alga के बीच की association है, right? Next question देखते हैं।
So the next question is, plants are capable of capturing sunlight due to the presence of dash in them. किसकी प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को कैप्चर कर पाते हैं? ए स्टोमेटा, बी क्लोरोफिल, सी जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स और डी गार्ड सेल्स। सो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से सनलाइट को कैप्चर कर पाते हैं प्लांट्स, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following can convert atmospheric nitrogen into usable nitrogen? Atmospheric nitrogen को usable nitrogen में कौन convert कर सकता है? Rhizobium lichens, Rhizobium algae, Rhizobium fungus और Rhizobium bacteria. Come on, जल्दी से solve कीजिए. All right, so the correct answer is Rhizobium bacteria. हमने बात की थी, right? कि Rhizobium bacteria atmospheric nitrogen को usable nitrogen में convert कर सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला question है, which of the following doesn't depends on others for nutrition? इनमें से कौन जो है वो किसी और पे depend नहीं करता nutrition के लिए? A. Mushrooms, B. Tomato plant, C. Dogs और D. Cascata plant. ये तो काफी इजी है. सो द करेक्ट आंसर इज टोमेटो प्लांट. टोमेटो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाएगा. बाकी मशरूम्स है प्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, डॉग्स हेटरोट्रॉफ्स हैं और कस्कटा प्लांट क्या है? पैरासिटिक प्लांट, ये भी हेटरोट्रॉफ है, राइट? ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. What are the products of photosynthesis? Photosynthesis के products क्या हैं? A. Carbohydrates, B. Carbohydrates and oxygen, C. Carbohydrates and proteins, D. Carbohydrates, water and oxygen. All right? So the correct answer is carbohydrates and oxygen, right? Photosynthesis से हमें मिलते हैं carbohydrates and ऑक्सीजन. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर दे शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज. जब दो ऑर्गेनिज्म शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? ए सिंबायोटिक, बी पैरासिटिक, सी सिंबायफिक और डी ऑटोट्रॉफिक. All right, so the correct answer is symbiotic. Symbiotic relationship में organism share shelter and nutrients, right? Let's move forward. Which of the following is not required for photosynthesis? क्या है ऐसा जिसको photosynthesis के लिए जिसकी हमें जरूरत नहीं है, right? क्या है ऐसा जिसकी हमें जरूरत नहीं है photosynthesis के लिए? A. Carbon dioxide, B. Water, C. Atmospheric nitrogen और D. Sunlight. All right, so the correct answer is atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen हमें नहीं चाहिए photosynthesis के लिए. Carbon dioxide भी चाहिए, sunlight भी चाहिए, water भी चाहिए, minerals भी चाहिए, right? All right, let's move forward. Ultimate source of energy for all of us organism क्या है? Carbon dioxide, water, oxygen और sunlight. Quite easy. So the correct answer is sunlight. Sunlight is the ultimate source of energy for all organisms. चलिए आगे बढ़ते हैं. Process of photosynthesis requires which of the following? Photosynthesis के लिए इनमें से किस चीज की जरूरत है? Carbon dioxide, water, minerals. B. Carbon dioxide, oxygen, water. C. Carbon dioxide, water, minerals and oxygen. Or D. Carbon dioxide, water, minerals or sunlight. So the correct answer is carbon dioxide, water, minerals and sunlight. ये तो काफी easy था, right? ये सारी चीजें हमें photosynthesis के लिए चाहिए. All right, आगे बढ़ते हैं. Green color of plants is due to the presence of A. Xylem, chlorophyll, guard cell,
और स्टोमेटा ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है प्लांट्स में? ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ए प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. बी ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. सी प्लांट्स एब्जॉर्ब ओनली वाटर फ्रॉम सॉइल. और डी ऑल ऑफ द अबव. जस्ट थिंक अबाउट इट. ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. यानी कि ये सारी ही स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, दे आर नॉट ट्रू. व्हाई? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. दिस इज फॉल्स. नाइट्रोजन एयर से कहाँ मिलती है? प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर, राइट? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मिलती है, ठीक है. नाउ ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. नो, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट? नेक्स्ट वन, प्लांट्स एब्जॉर्ब ओनली वाटर फ्रॉम सॉइल. दैट्स फॉल्स. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, राइट? नॉट ओनली वाटर. ऑल राइट, सो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव आर फॉल्स. ऑल राइट गाइज, इसके साथ खत्म हो गए हमारे 15 MCQs. अब जल्दी जल्दी अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि आपने कितना स्कोर किया. अगर कम भी स्कोर किया तो दैट्स ऑल राइट, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट. आप वीडियो को एक और बार देखिए, उस वीडियो को जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझिए और फिर से MCQ सॉल्व कीजिए. आई एम प्रिटी श्योर कि आप सारे MCQs ठीक करेंगे. ऑल राइट, ऑल राइट, सो कीप स्टडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स.